पाकिस्तान के हालात अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन हैं। टैक्स का निज़ाम बेहतर हो रहा है। कारोबारी हजरात अब टैक्स के निज़ाम के अंदर आकर टैक्स देना शुरू हो गए हैं। कपड़े की एक्सपोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन मुकामी सतह पर खरीदारी में कमी वाकया हुई है, क्योंकि महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से लोगों की सोच में तब्दीली आ चुकी है। लोग सोचते हैं कि घर का चूल्हा चलाना जरूरी है, न कि नए नए कपड़े की खरीदारी। इन ख्यालात का इजहार फैसलाबाद पाकिस्तान की मशहूर अकाउंटेंट कंपनी जाहिद जमील के बानी मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट मियां सलमान जाहिद जमील अपना दौरा ग्लासगो के दौरान फरहान एंड को कंपनी की तरफ से उनके एजाज में दिए गए अशाइये के दौरान INA के ब्यूरो चीफ से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं अपने ग्लासगो में मौजूद ब्यूरो चीफ शाहिद मीर से। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या कहना है मियां सलमान जाहिद जमील साहब का। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलमान जाहिद जमील साहब, जो कि जाहिद जमील कंपनी के फाउंडर पार्टनर भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बड़ा एक नाम है पाकिस्तान में, स्पेशली फैसलाबाद में बड़ा एक नाम है। ये यहाँ पे दोस्तों से मुलाकात के लिए आए थे। आज हमारे साथ मौजूद हमीद से बात करते हैं कि इनका यहाँ ग्लासगो में टूर कैसा रहा और क्या मसरूफ नहीं था। मौन साहब, थैंक यू पहले वेरी मच। आपका ये बताइए कि क्या मकसद था टूर का? मैं हॉलीडेज पे आया हूँ, पहले मैं मैनचेस्टर पहुँचा हूँ, यहाँ आया हूँ अलहमदिल्ला, काफ़ी जगह पे घूमा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी हुई है पाकिस्तानियों को मिलकर। और अल्लाह का शुक्र है जितने पाकिस्तानी मिले हैं, दे आर वेल ऑफ, वेल एस्टेब्लिश्ड। इसमें अकाउंटेंट भी मिले हैं और नईम रहमान साहब जो मेरे होस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों से बुलाया है और इस पाक से आगे से बदले मुलाकात होगी है। और काफ़ी लोग बिलोंग टू फैसलाबाद, पीर महल फैसलाबाद भरा हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को आपने वेलकम किया और मुझे बहुत जैसे माँ साहब आज सुबह दिए भी आए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो कारोबारी हालात हैं उनके हवाले से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को बात करना चाहिए। बुरे हालात जो बुरे हालात तो कारोबारी पूरी वर्ल्ड में हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा प्रोपगंडा वास्ता ज़्यादा हुआ है, कुछ हम लोग आ गए, लेकिन पहले से अब इम्प्रूव हो रहे हैं और टैक्सेशन भी पहले से बेहतर हो रही है। अब लोग टैक्स भी दे रहे हैं, नेटवर्क भी बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो दो तीन साल में पाकिस्तान काफ़ी इम्प्रूव करेगा। एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है और एक्सपोर्ट के हालात भी बेहतर हो गए, इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो खबरें आ रही थी हमारे फैसलाबाद का, आपको पता है एक नाम है दस्तारा टेक्सटाइल, वो बंद हो गई है, ये इसके बारे में क्या? वो ये है कि वाकई जो लोकल काम कर रहे थे उनको परफेक्ट हुआ, तो कुछ कपड़े की डिमांड कम हो गई है, परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं रही, वो लोगों की प्रायोरिटी उस वक्त घर के किचन है, बच्चों के स्कूल की फीसें हैं और बिजली का बिल है। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि कपड़े खिलाए जाएँ, उसको आप धो के दोबारा भी नहीं कर करने के, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका बगैर रोटी के, बगैर बिजली के, बगैर बच्चों की तालीम के गुजारा नहीं है, इसलिए ये फैक्ट्री है।